और इसमें पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में और साथ सभी साथियों के विचार विमर्श करके सूची तय किया है। उसमें एक नंबर वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी पार्टी के प्रत्याशी, शिवहर से श्रीमती लवली आनंद उम्मीदवार, सीतामढ़ी से श्री देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार, झंझारपुर से श्री रामदीप मंडल जी पार्टी के प्रत्याशी, सुपौल से श्री दिलेश्वर कामत जी उम्मीदवार, कटिहार से दुलाल चंद कोष्टानी जी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्णिया से श्री संतोष कुमार जी उम्मीदवार, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जी उम्मीदवार, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार, सिवान से श्री विजया लक्ष्मी देवी प्रत्याशी, भागलपुर से अजय कुमार मंडल चुनाव लड़ेंगे, बांका से श्री गिरिधारी यादव उम्मीदवार, मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी उम्मीदवार, नालंदा से श्री कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार, जहानाबाद से श्री छत्तेश्वर प्रसाद जी उम्मीदवार हो। पार्टी ने काफी विचार विमर्श के बाद इन प्रत्याशियों को सेलेक्ट किया है। हम गठबंधन में हैं इन 16 प्रत्याशियों। किशनगंज रह गया है, किशनगंज होगा, किशनगंज किसान है, किशनगंज किशनगंज मुजाहिद आलम, मुजाहिद आलम जी उम्मीदवार होंगे। हम अपने प्रत्याशियों को तो विजयी बनाने के लिए पार्टी के साथ ही काम करेंगे, लेकिन गठबंधन में गठबंधन के भी जो प्रत्याशी होंगे उनको भी जिताने के लिए हमारे साथी, हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, ये सभी लोग जी जान से लगे हैं और हम पूरी आशा और विश्वास के साथ आज सूची आपके सामने दे रहे हैं कि ये सभी उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ हम ये सूची आपको, आप लोगों को सौंप रहे हैं। दिखा दीजिए सर, चाहेंगे कि अब हिंदुस्तान से हमारे जो